दोस्तों, Xiaomi की ए सीरीज इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ऐसे में इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारे लीक्स और रूमर्स निकलकर सामने आ रही है, जिससे कि दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो जाता है। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको Xiaomi Mi A4 में इस बार Realme X के जैसा एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, एंड उसके साथ ही यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा एंड स्नैपड्रैगन के 730G का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो फाइनली इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इसी स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से। तो Xiaomi Mi A4 में आपको एक ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जैसा कि Redmi Note 9 Pro में हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। एंड उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको एक क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अब अगर उसके साथ ही बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड के बारे में, तो दोस्तों Xiaomi Mi A4 में आपको एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि 6.4 इंच का होने वाला है, जहां पर आपको एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा जो कि आने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ। एंड साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों एक पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ आने वाला है। एंड उसके साथ ही दोस्तों अगर सेल्फी कैमरे की बात करें, तो आपको सेल्फी कैमरा में लाइटिंग डिजाइन Redmi K20 और Redmi K30 के जैसा देखने को मिल सकता है। एंड उसके साथ ही अगर मेगापिक्सल्स की बात करें, तो 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ ही अगर दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के रियर साइड की कैमरे के बारे में, तो दोस्तों स्पेशली Mi A4 को बहुत ही अच्छा कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल्स का क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर प्राइमरी कैमरा सोनी IMX686 का सेंसर देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ ही आपको इस स्मार्टफोन में एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक टेलीफोटो लेंस और एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की चिपसेट के बारे में, तो Mi A4 में आपको इस बार स्नैपड्रैगन 730G का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों एक ऑक्टाकोर चिपसेट है और आपको इस स्मार्टफोन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, चाहे वो पबजी के लिए हो या फिर डे टू डे यूजेस के लिए हो, आपको सभी सीनेरियो में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पर आपको 33W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। गाइस अब फाइनली बात करते हैं इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉयड 10 के साथ आपको स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में, क्योंकि हमें Mi की ए सीरीज में हमेशा से ही एक स्टॉक एंड्रॉयड का मजा देखने को मिला है, तो इस स्मार्टफोन में भी आपको स्टॉक एंड्रॉयड का ही मजा देखने को मिलने वाला है। एंड उसके साथ ही फाइनली दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर सामने आएगी। तो इस स्मार्टफोन का जो प्राइस होगा वो आपको 13,000 से लेकर 15,000 रुपये के बीच में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको बेस वेरियंट 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में, तो इस स्मार्टफोन का अभी तक ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने नहीं आया है, बट इस स्मार्टफोन को अप्रैल या मई तक इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में, क्या आप इस स्मार्टफोन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।